हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग। हमारे फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे होंगे? उम्मीद है परमात्मा की दया से अच्छे होंगे। और बारिश बहुत हो रही है हरियाणा में, और आप सबके यहाँ बारिश हो रही कि नहीं हो रही आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आज तो धूप निकली हुई है। कल हम गए थे मार्केट, वहाँ से लेके आए साड़ी, लेकर आए हैं और जाने वाले थे गाँव। गाँव भी नहीं जा पाए, 2-3 साल हो गया घर नहीं गई हूँ। फ्रेंड्स, घर की याद आ रही है, पापा की याद आ रही। पापा हमारे आने वाले थे यहाँ, कह रहे थे चल कोई बात नहीं मैं ही आ जाऊंगा, और ट्रेन भी कैंसिल हो रही है। अभी फ्रेंड्स हम ले आए हैं साड़ी और उसकी करेंगे कटिंग, ब्लाउज की कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे वीडियो में। और फिर स्टेशन पे भी जाऊंगी मैं, आपको स्टेशन पे भी दिखाऊंगी वहां का स्टेशन इस टाइम कैसे दिख रहा है। प्याज ख़त्म है बारिश की वजह से, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही, प्याज ख़त्म है। अभी जाएंगे थोड़ी देर में मार्केट, फ्रेंड्स देखते हैं अगर दुकान खुली होगी तो लेंगे प्याज पूछ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि तो दुकानें भी ना लग रही, कोई रेड़ी वाला भी नहीं दिख रहा इस टाइम अभी ब्लाउज की। तब तक मैं अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ। और इसको लेके आए हैं, 400 की साड़ी ले आए हैं, पहनते तो है नहीं, सूट ही डालते हैं। यहाँ हरियाणा में सब सूट डालते हैं, तो मैं भी सूट डालती हूँ। अब इसको बना के रख ली हूँ, कभी टाइम लग गया तो मालिक की दया उसे तो भाग जाऊँगी मैं अपने घर मम्मी पापा के पास। तब तक मैं वेट करती हूँ अपने पापा का, कब तक आ रहे हैं गाँव से यहाँ मुझसे। और ये लोन लेके आई हूँ जिसको कहते हैं अस्तर, 55 रुपये का किलो है। टमाटर 200 रुपये किलो है, ये तो है 55 रुपये का, 80 सेंटीमीटर। आइसक्रीम ले रखे सारे, हाँ नाक पे भी लगा लिया। ए आ आ आ कितने वाला है ये? अच्छा चलो ठीक है, वो तो निकल गया, पप्पू बजा रहा है गली में। अमृत, भारत की सबसे सुप्रसिद्ध महिला एसडीएम कौन सी है? भारत की सबसे सुप्रसिद्ध महिला एसडीएम कौन है? ज्योति मोर्या। अच्छा, पतंजलि की दुकान है और यहाँ से ले रहे हैं मैगी। यहाँ का मैगी अच्छा होता है, पेट खराब या किडनी से खराब नहीं होता, ये आटे का है, शुद्ध है। फ्रेंड्स ये अब बारिश की वजह, ज्यादा बारिश की वजह से ना ये स्टेशन रेलगाड़ी का आना जाना बंद पड़ा है इस टाइम। और मेरे पापा गांव से आने वाले थे, वो भी अब रुक के आएंगे। बारिश बहुत ज़्यादा है और ट्रेन भी नहीं चल रही, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है ये प्लेटफार्म। बहुत अच्छा लगता है जब रौनक भी रहती है और लोग भी, भीड़ भी रहती है, आते जाते रहे लोग, पर अभी बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। बस इस टाइम तो लोग बस चलने फिरने वाले लोग हैं यहाँ पर, घूमने फिरने वाले बस। और ये जगाधरी वर्कशॉप रेलवे स्टेशन है, और आप देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगा हुआ है, कोई भी ट्रेन ना जा रही है। आज एक ट्रेन गई है, ट्राई कर रही थी, वो भी अंबाले में पटरी बैठ गई या कोई दिक्कत आ गई, इसलिए सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई इस टाइम। हेलो फ्रेंड्स, हम स्टेशन पे आ चुके हैं और स्टेशन मतलब सभी जो ट्रेन चलती थी रद्द कर दी गई हैं बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देखो ट्रेन मतलब स्टेशन बिल्कुल सुना साना सा लग रहा है। इधर रेलवे वर्कशॉप स्टेशन है, ये बिल्कुल सुना साना सा लग रहा है। मेरे पापा जी आने वाले थे और आए भी नहीं, ट्रेन रद्द कर दी गई है और कह रहे थे बाद में आऊँगा। और बिल्कुल बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, मतलब जो भी यात्रीगण थे उनके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, जो जहाँ फंसे हैं उनके आने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। और देख सकते फ्रेंड्स ये बिल्कुल सुना साना सा लग रहा है, कोई भी ट्रेन ना चल रही है। 2-3 दिन हो गया, 2-3 दिन के अंदर आज एक ट्रेन ट्राई किया गया जिससे चल रही है। और हम स्टेशन पे घूम रहे हैं फ्रेंड्स, क्या बताएं, पापा की बहुत याद आ रही, घर की भी बहुत याद आ रही। सोच रहे थे जल्दी से ट्रेन चालू हो जाए और हमारे पापा जल्दी से आ जाएं,
और हम फिर स्टेशन पे आएंगे अपने पापा जी को लेने यहाँ पे स्टेशन पे। बहुत याद आ रही है, घर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें, दिक्कत है, बारिश भी बहुत हो रही है। गांव में तो कोई बारिश नहीं हो रही, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ पे, और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।